रसोई कॉर्नर में आज हमने बनाई है आलू पालक की सब्ज़ी। ये थोड़ी ग्रेवी टाइप सब्ज़ी हमने बनाई है। तो चलिए आलू पालक की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं ये देखने के लिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने एक पालक का बंच लिया है जिसका हर एक पत्ता अच्छी तरह से साफ़ करके उसे बारीक बारीक कट करेंगे। अब हम सारे पालक के पत्ते को कट कर चुके हैं और इसे फिर से पानी में डुबो के रखेंगे। अब हमने 8 से 10 लहसुन की कलियां ली है जिसे हम कूट के रखेंगे क्योंकि हमें लहसुन की पेस्ट नहीं चाहिए, थोड़ा दरदरा चाहिए। अब गैस पर हमने एक पतीला गरम करने रखा है जिसमें 3 चम्मच हमने तेल डाले हैं। तेल गरम होने के बाद उसमें चुटकी भर हींग डालेंगे, फिर डालेंगे आधा चम्मच राई, फिर आधा चम्मच जीरा और फिर इसमें हमने जो कुटी हुई लहसुन की कलियां थी वो डालेंगे। इसे थोड़ा अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फिर अब हम इसमें डालेंगे 3 लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची हैं जिसको हम आधा आधा कट करके डालेंगे। फिर डालेंगे 3 हरी मिर्चें जिसे स्लिट करके डालेंगे। फिर अब हम डालेंगे इसमें 2 मध्यम आकार के प्याज बारीक कटे हुए, फिर उसे थोड़ा फ्राई करना है। प्याज को हमने थोड़ा पकाना है। प्याज पक जाने पर अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटे हुए आलू। आलू को हमने पानी में डुबो के रखा था वरना इसका रंग काला पड़ जाता है जो दिखने में अच्छा नहीं लगता। थोड़ा आलू डालने के बाद थोड़ा आलू और प्याज को स्टर फ्राई करें और फिर इसमें डालेंगे अब हम 2 टमाटर। इसे भी थोड़ा स्टर फ्राई करें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे अब 1 चम्मच नमक, स्वाद अनुसार अपने डालें। अब हम इस सब्जी को अच्छे से फ्राई करके फिर उस पर जल्दी पकने के लिए थोड़ा ढक्कन रखेंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन निकालकर हम चेक करेंगे कि हमारे आलू पके हैं या नहीं। अगर लगे कि आलू नहीं पके हैं तो दोबारा हम ढक्कन रख के उसे पकाएंगे। थोड़ी देर बाद हम फिर से चेक करेंगे कि हमारे आलू पक चुके हैं या नहीं। जब लगे आलू पक गए तब हम हमारे सूखे मसाले डालेंगे। हमने डाली 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच अब हम डाल रहे हैं आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर ना हो तो चाट मसाला भी डाल सकते हो। फिर इन सब मसालों को मिक्स करें सब्जी के साथ। देखिए हमारा आलू अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हमारा पालक। पालक को अच्छे से पानी से निकालकर हम इस सब्जी में डालेंगे। सारी पालक की पत्तियों को हमने अभी सब्ज़ी में डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आलू और टमाटर और प्याज की सब्ज़ी के साथ। अभी हमें ये पालक की पत्तियाँ ज़्यादा लग रही हैं, पालक ज़्यादा लग रहा है। जब ये पालक पक जाता है तो सूख जाता है और सब्ज़ी एकदम कम हो जाती है। देखिए पालक ने काफ़ी पानी छोड़ा हुआ है, इसलिए हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। और अगर आपको ड्राई सब्ज़ी चाहिए, सूखी सब्ज़ी चाहिए तो आप इसे इस पानी को सुखा सकते हो, पर ये सब्ज़ी थोड़ी ग्रेवी टाइप ही अच्छी लगती है। अब हमारी आलू पालक की सब्ज़ी तैयार है। इसे गर्मा गर्म परोसें। इसे परोसते वक्त ऊपर से धनिया डालकर अच्छी तरह से गार्निश करें। ये सब आप पूरी, पराठा या चपाती के साथ भी खा सकते हो। आप ज़रूर अपने घर में ये सब्ज़ी बना कर देखिए, बहुत सभी को पसंद आएगी। और आपने हमारा वीडियो आखिर तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।